अपन साहब जागली बरिया वोट से है ना, इस नगा मत काट दो। अरे भाई के में बात भी हुई होगी क्या, तो गर्म हो रहे हो तो मैंने तो बता दो मैंने। सरपंच साहब इन्हें गांव मत काट दो, पानी शर्त ऊपर जा लिया। पानी शर्त ऊपर जा लिया एडी ठाले जबे तेरी तो भी आदत हो रही है। देखो सरपंच साहब ये भी उठा रहा है, देखिए देखो उठा रहे एडी। इगर में लड़ाई मत करे छोड़ी ने। सरपंच साहब फिर मेरे एडी ठाने वाली बात क्या जी है ठाता नहीं बैठी एडी चार पता मैंने देख लिया तू दस्ती बात तेरे एडी ठंडा हो गए कर जा नेम ना मैं नेम करूं। सरपंच साहब आप मुद्दे बात पाओ, इस मनु उस आदमी ने काट दो काम मत। मैंने तेरा के ठा लिया मारा तेरे पर कुछ उठा भी को ना। सरपंच साहब इतना मनुष है इसकी वजह था हमारे घर में बालक भी बढ़ ना लकड़ते जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए चुपचाप बैठे रहो, ये गांव की पंचायत है कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं। आए डटिए मैथुन चक्रवर्ती मिथुन हो। अरे वो ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है यो मिथुन है। दीवार फिल्म में मिथुन ने कही थी बात। पहली बात यार दीवार फिल्म में मिथुन था ही नहीं। थारी दीवार में होगा भाई मिथुन, मारी दीवार पर तो स्त्री था। सरपंच साहब गुलजार का नया गाना है डोन सुना है? हाँ भाई इनकी दीवार में तो मिथुन कूद रहा है, उनकी अमिताभ बच्चन कूद रहा है, इतना डोन में और गुलजार बांट दिया। ओए 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 मेरे का लिखा डोन फिल्म में गुलजार कितना गया उसमें तो अमिताभ बच्चन था। काम कने मुंडी कर देना तेरा गट्टिया ने काट देंगे। हाँ कदे बनाओ तने रहो भाई गांव में चलो मैंने काम पे भी जाना है। काम चल इस तो बढ़िया पाया आ जाता खा लिया इस गडगेरे ने पेट मोर नले करा दिए अड़े। हेलीकॉप्टर पर गया पछे गए उत्तर को लगे पीपे। अरे ओ कोले कट्याले कोली कोली पुरशिट पे रे काला रंगी सा लागे जणु उत्तर कोल में कील गाड रे इसकी शक्ल देख तनु चोत का पाला रे क्या। घर छुट गया गांव छुट गया ये मेरा रंग काला था इसमें मेरी क्या गलती, ये मेरे पता जिया नहीं जामा तो मरूंगा। हे वत्स क्यों मरना चाहते हो आप? हे भगवान सब नमन उसका है इस अमन के खोट कर दिया। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है वत्स। हे भगवान जो भी नई गाड़ी लाया चप्पली जो मेरा फोटो टांगा है इतना मनुष्य हो गया कि मैं। फिर ये तो अच्छी बात है ना वत्स। हे भगवान दुनिया में सब तो अलग बना दे। अलग तो बेटे आप पहले से ही हो। मैंने हिसाब वरदान दे दे मैं किसी ने भी नहीं दिखूं। बेटे रात को तो आप अब भी दिखाई नहीं देते। ना दिन में भी नहीं दिखूं ऐसा कर दे। लो वत्स यह जल जब भी आप इसको पियोगे आप अदृश्य हो जाओगे और कभी इसका दुरुपयोग मत करना वत्स। तो थास्तु। हाँ बोल। मैंने ना सारी बात सुन ली और तना इतना कीमती जल मिला ना जरा मैं किसी ने तेरे पप्पू से लिया। फिर यह बात तो तू सही कह है मैंने तो सोची ना थी गरीब के करना चाहिए। बात सुन मेरे दो रहना एक प्लान है जिसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है और जो तू मेरी बात मानना गाना अपने दो गुणे रुपये हो जाएंगे। चल बैठ कर बात करेंगे। सुन कालिए तना ये जल तो मिल गया तू भी इसका करेगा के इब मगायब होकर दोबारा गांव में रहना करूंगा। ओडू कुछ तो फायदा उठा ले कुछ बड़ा करेंगे। और क्या करूं? देख तू गायब हो जाएगा और कुछ भी करेगा ना किसी ने मेरा नहीं लग गया और ना तेरा नाम आवे ये बापा ना चोरी करेंगे।
ना यार, मेरा मन नहीं मानता इस काम में। ओ पागल है, चोरी करना गलत बात नहीं है। चोरी तो कृष्ण भगवान ने भी करी थी, और आप तो भी अपनी जरूरत का सामान उठावाएंगे। सच्ची में? फिर तक कर लेंगे। चल अब ट्राई ले, जिस चीज की तना सबसे ज्यादा जरूरत है नी वो उठा कर लिया। ईब ले आया। राम राम जी, आज मैं अपने बहुत ही अच्छी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है रमी सर्कल। इसमें आप आसानी से रमी खेल के कैश जीत सकते हो। इसमें रमी सीखना और खेलना बहुत ही आसान है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्टर करते हो तो आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप आसानी से रमी खेल के कैश जीत सकते हो, और अपने जीते हुए कैश को कुछ ही सेकंड में अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगी। बहुत सारे लोगों ने रमी सर्कल खेला और कैश जीता है, तो देर किस बात की दोस्तों, जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए रमी सर्कल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तेरा नहीं कोड़बा होगा। लिया मैं दिया है, अपनी जरूरत की चीज। अच्छा, हाँ। के ले आया? इससे की जरूरत थी मने। इनका अच्छा दफार भी एक दुनिया है। चल मैं समझाऊंगी तने। ओ उड़ू, ध्यान तो सुन ले। देखियो आदमी, कल 2 बजे बैंक में तो पीछे कड़ा के लाओगा, और 2:30 बजे इसने बाहर जाना है, और 3 बजे वापिस आओगा। अपने पास है आधा घंटा, आधे घंटे में अपना काम खत्म करना है, और तू वो पानी पी के गायब हो जाएगा। फिर तने सीधा भीतर जाके वो पीछा का बैग ठा के ओटड़े तो बाहर फेंक दिए, और मैं बैग ठा लूंगी और तू दूसरे रास्ते तक बाहर आ जाइए, और जब कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सिट्टी मार दूंगी, तो चुपक दे ही लिकड़ आइए। तू एक बात बता, मैं पानी पिया तो गायब बोल रहा, तू क्या चला के करेगी? बेरा मैंने जिसा तू है, जो कर तेरा पिछली बार नहाल करे थे वही करेगा तू। मैं चलूंगी, सुन क्या देख, यह है अपनी आखिरी और फाइनल चोरी। जब हम इसमें कामयाब हो गए तो हमने आगे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तो रहा ना, खबर आई है गांव वाले ने अपना सारा कीमती सामान सरपंच के घर अंदर रखा है। राम भाई, तेरे बड़ी वाला बकास करना है। सरपंच साहब, राम राम, मैं आपके गांव में सर्वे करने आई हूँ। कर ले जब यू काम पड़ा। सरपंच साहब, आप समझे नहीं, कागजी कार्रवाई करनी है। ठीक सर जी, देखिए पद से कुर्सी गल रही है, इस पे बैठ के कर लो कागजी करवाई अपनी पूरी। और क्या मैं बात हो तो बता दियो। सरपंच साहब, हमारे घर में चोरी होगी। नहीं वो करे, वो तो चोर जाने है। तारा तुम भी क्या मना था नंगड़ो, क्या क्या चोरी हो रहा है? एक तो मेरा कच्चा गया, और अरे पहला यो ढूंढ दिया। सरपंच साहब, मेरा फोन चोरी हो गया। अरे फोन ना तो था, बस मेरी चिप चिप उल्टी दवा दो मैंने, उसमें घड़ा काम का सामान पड़ा है। ईसा के था रचप, मैं बता दिए डकी। सरपंच साहब, जगह मनवा चोरी होती है, जगह का सामान सुरक्षित की तरह होगा। भाई जितना अपने सामान की इतनी दिक्कत है, तो एक काम करे, गांव राम में जाकर सब तनु को दे, जिसने अपना सामान चोरी होने की दिक्कत है ना, सरपंच के घर ले आकर टेक देंगे। इस तरह सेफ जगह मेरे हिसाब से को होगी नहीं गांव में। कच्चे भी थारा सुखाओ सरपंच। कोई बात ना भाई, ले सरपंच बने रहियो, भी समाधान करना पड़ेगा। टांगूंगा एक बिलंगनी अड़ थारी भी कच्चे खातर। इसका मतलब तू सरपंच के घर जासूसी कराई? यस। तू तो पूरी गाल है। मेरी बात सुन, इब गाल है तू, मेन गेट में को ना जाइए, पीछे के रास्ते तो जाइए, और सुन गायब होया पाछे तेरे कपड़े तो दिखे हैं, इब की बार तू कपड़े भी काट के जाइए, ठीक है नी? और जो है कि मैं उक चुक ओंदी दिखे, तू रुपये छोड़ के और बाज लिए, क्योंकि मैंने तेरी जान कीमती है, रुपये तो आप फिर भी कमा लेंगे। ले क्या बना दो तना करोड़पति, तू भी जबरू ने याद रखेगी। याद तो बेटे तू मने रखेगा,